हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम सतीश बेस। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरीके से भर सकते हो, टेंथ का नहीं, एलेवेंथ का, ट्वेल्थ का, और आपके आगे का जो भी है एडुकेशन उसका आप जो है किस तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरीके से भर सकते हो, इस वीडियो में आपको मैं पूरा समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगा, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब, मैं बेलन को इस तरीके की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो बिना नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप से बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देख लीजिए आपको क्या करना है। सिंपली आपको अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, जो अभी मैं बता रहा हूँ। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है MahaDBT। ओके, तो इस वेबसाइट पर जैसे क्लिक करोगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। अगर आप न्यू हो तो यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेंट करना है, या फिर अगर आप जो है रिन्यू करना चाहते हो तो एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक कर सकते हो। ओके, तो अभी आपको न्यू एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करके दिखाता हूँ थोड़ा न्यू प्रोसेस का। ओके, यहाँ पर सबसे पहले अपना एप्लीकेंट नाम डाल दीजिए। यहाँ पर नेम डालने के नीचे आपको जो अपना यूज़र नेम डाल देना है, तो वहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ। नीचे अपना यूज़र नेम डाल दीजिए। यूज़र नेम आप ऐसा डालिए जो कि अवेलेबल हो, अगर अवेलेबल नहीं तो हमारा आपको थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए ताकि वो अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए, कन्फर्म पासवर्ड डाल दीजिए, ताकि आपका यहाँ पर पासवर्ड आप जो है जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे। ओके, नीचे आना है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर उस पर जो एक OTP सेंड करना है, और उस OTP को यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी को, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी। ओके, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको डाल देना है। नीचे मोबाइल नंबर डाल के उस पर भी एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है, वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे का ऑप्शन मिल रहा है आपको रजिस्टर का, रजिस्टर का एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन पर जैसे क्लिक करोगे, ये जो है लॉगिन कर लिया, यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के हम लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद आप देख लीजिए, आपको अगर आप न्यू हो तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ पर अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, और अगर आप रिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अप्लाई करके यहाँ पर डायरेक्टली कन्फर्म कर सकते हो। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा अगर आप रिन्यू करना चाहते हो तो। ओके, और अगर आप पोस्ट मैट्रिक में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक के लिए आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर मिल सकता है, और यहाँ पर अगर आप प्री मैट्रिक अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पर रिन्यू करना पड़ता है। ओके, और आगे की कोर्स के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्रोफाइल कमेंट करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपको दिख लीजिए आपके पास आधार से की मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ताकि उस पर OTP आ सके। अगर आप मोबाइल नंबर लिंक नहीं तो आपके पास मंत्रा का या फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर आप इस जो है अप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपके पास इन दोनों बात का यहाँ पर नोट करना है। ओके, और यहाँ पर बाद में कुछ नहीं, जब भी वेरीफाई हो जाता है यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल लगे, अपना नाम, ई मेल आई डी, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका एज आ जाएगा। यहाँ पर आपका मैरिड स्टेटस, यहाँ पर आपका जो अपना पेरेंट का मोबाइल नंबर, आपका यहाँ पर रिलीजन डालना है, यहाँ पर हिंदी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो यहाँ पर डाल देना है। और नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पर कास्ट की डिटेल डालनी है, कास्ट आपका कास्ट कैटेगरी कास्ट जो है, और यहाँ पर आपके पास जो है डू यू, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी आप किस कैटेगरी को हो। ओके ओके, और यहाँ पर लिखा है डू यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको एस करना पड़ता है। ओके, और नीचे आपको यहाँ पर डिड यू, यहाँ पर लिखा है रिसीव द सर्टिफिकेट फ्रॉम द अपले सरकार, यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर देना है। ओके, अगर आपको वहाँ से मिला है तो यहाँ पर आपको नो कर एस नो कर देना है, यहाँ पर कास्ट का नंबर डाल देना है, और यहाँ पर इजू डेट डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, अप्लीकेंट का नाम डाल देना है, और इजू अथॉरिटी तहसीलदार या कलेक्टर ऑफिस से जहाँ से आपका रिसीव इशू किया गया वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। कास्ट का यहाँ पर आपको फोटो स्कैन करना पड़ता है और इसे अपलोड कर देना पड़ता है, और इजू डेट डाल देनी है, और फिर बाद में आपको आपका एनुअल इनकम डाल देना है, और एनुअल इनकम डालने के बाद गाइस यहाँ पर सब बेसिक से डिटेल आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद गाइस सब जैसे आपका प्रोफाइल पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे आपका यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलते हैं, जैसे कि अगर आप जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपका जो भी है। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पर नीचे से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्री मैट्रिक के लिए अभी ये जो है वेबसाइट यहाँ पर ओपन नहीं की गई है, मतलब फॉर्म ओपन नहीं किए गए, तो यहाँ पर जब भी ओपन हो जाएगा तो हम प्री मैट्रिक पे क्लिक करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो।